हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को अपना एक ब्लॉग दिखाने वाली हूँ, दिवाली ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, कुछ कारण के वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था दिवाली का, तो आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज दिवाली के शुभ अवसर पर कोई मेहमान आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो ये हमारे घर का डेकोरेशन है, हम लोगों ने छोटा मोटा इस तरीके से डेकोरेट किया। सादा प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर का डेकोरेशन। तो हमने दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे जलाए, और साथ ही साथ हम गए थे काली पूजा करने के लिए, क्योंकि दिवाली के दिन कोलकाता में काली पूजा होती है। ये है काली मंदिर हमारे नानी के घर के पास का, और यहाँ पे बहुत ही फेमस पूजा पंडाल बना है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अंजलि देने आए हैं काली माँ को। तो दोस्तों, मेरी नानी जी इस साल बहुत ही खुश थी, क्योंकि हम लोग दिवाली पर अपने नानी के घर में थे, तो हम सब ने मिलकर बहुत फटाके फोड़े, सेलिब्रेट की। और देखिए हमारे वीडियो कितनी खुशी झलक रही है मेरी नानी जी के चेहरे पर। और यहाँ पे देखिए मेरे नानी और भाई का मस्ती भरा पल। ऐसे हंसते बजे तुम की बम फटा हुआ। अरे बाप रे, कैमरा दिखे देखो ना कि फाटिए। ए बाबा, ये की नूतन सिस्टम बाजी फटानोर। ए फाटलो ना तू अंड। तो यहाँ पे मेरे नानी और भाई का फटाके का कंपटीशन हो रहा था। देखिए मेरी नानी का फटाके फोड़ने का स्टाइल। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेरे भाई को कहा तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं तुम्हारी फ़ोटो लेती हूँ। मैं भी बहुत चालाक थी, मैंने वीडियो बना लिया। देखो ये स्टाइल मारे जा रहा था और मैं यहाँ पे वीडियो बनाए जा रही थी। तो दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे हमने काली पूजा देखने गए थे वहाँ पे काली पंडाल लगा था, जहाँ पे फेमस एक्ट्रेस संगीता बिजलानी जी आने वाली है। तो मेरे साथ दोस्तों, संगीता बिजलानी जी को देखने के लिए बहुत लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैंने भी फर्स्ट टाइम उन्हें इतनी पास से देखा है, एकदम परी की जैसे लग रही थी। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी एज इतनी हो गई है, वो तो एकदम एवर ग्रीन लग रही थी। देखिए आप भी हमारे वीडियो में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और हसीन है, मैं तो उनको देख कर एकदम से मोहित हो गई थी। उनका लुक, उनका स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी, फनी फनी सी थी, तो आप आगे वीडियो में देख पाएंगे।
শুভ দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানিকে। আমরা ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ, উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম মধুমহল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা তাকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে বরণ করে নিচ্ছি। সঙ্গীতা বিজলানিকে অনেক কৃতজ্ঞতা, যারা অভ্যাগত আছেন তাদেরকে আমরা মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করব। আমরা চলে যাব সরাসরি আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। এতদ অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে এই সুন্দর সন্ধ্যার, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যার সাক্ষী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মধুমহলের, বন্ধুমহল ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যের যে নিরলস প্রচেষ্টা, পরিশ্রম তা সার্থক হয় তা এই সময়টায়। দীর্ঘদিনের এই যে রাত জাগা, কষ্ট করা, পরিশ্রম করা, সমস্তটাই সার্থক হয় এই সন্ধ্যাগুলোতে যখন আপনাদেরকে আমরা পাশে পাই। সঙ্গীতা বিজলানিকে অনুরোধ করব আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে, আজকে বন্ধুমহল সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। কেমন আছো কলকাতা? খুব ভালো। সবাইকে দীপাবলি কে শুভকামনায়। আর বহুত খুশি হুই ইয়াহ পর আকর। ক্যা কর রহে ভাই? বম্বাই সে আই হুঁ আপ সবকে লিয়ে। আর এক মিনিট, বন্ধু মোহন ক্লাব কো বহুত বহুত ধন্যবাদ জো হমকো ইয়াহ পর বুলায়া হ্যায়, আপ সবকো ইয়াহ পর বুলায়া হ্যায় মেরে লিয়ে। আর আপকা প্যার দেখকে আর আপকি মুস্কুরাটে দেখকর বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। ইয়াহ পর সব বহুত দূর দূর তক দিখ রহে হ্যায়, মুঝে वहां भी दिख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए हो और दीपावली के दिन आए हो, इतना शुभ दिन है आज, और सब तैयार होकर आए हो, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हो आप सब लोग, साड़ियां पहनकर सब मेकअप करके आए हैं लेडीज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस टेल मी। और बेहद खुशी हुई कलकत्ता में आकर और आप सबके साथ दीपावली मनाकर, और भी खुशी हो रही है मुझे। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग खुशल रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहे। माइक्स लगाइए, मास्क लगा दीजिए आप सब लोग जिन्होंने नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, तो थोड़ा संभालिए, अपने परिवार को भी संभालिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। गाना गाऊं? गाना कौन सा गाऊं? मुझे गाना नहीं आता है, मेरा नाम संगीता है वैसे, मगर मुझे गाना नहीं सिखाया मेरे पिताजी और माँ ने, मगर मैं थोड़ा गाओगे आप लोग मेरे साथ? बहुत शांत है सब लोग, अगर आवाज करोगे तो फिर मैं गाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं गाऊंगी। आवाजें नहीं आ रही है लोगों की, क्या ओए ओए करोगे मेरे साथ? करोगे जोर से? पक्का? भाइयों बहनों क्या कह रहे हो, करेंगे? थोड़ा आवाज करेंगे तो ओए 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 ओवा। 2000 years later ओए ओए। मेरे भाइयों और बहनों ने खाना नहीं खाया शायद, क्या आवाज़ ही नहीं आ रही है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ, सुंदर सुंदर बच्चे हैं यहाँ सब, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप सब यहाँ पर आए हैं और हमें देखने आए हैं, और हम भी आपको मिलने आए हैं। और मैं आपको फिर से जल्द मिलूंगी जब कलकत्ता दोबारा आऊंगी। थैंक यू। বন্ধুমহল ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই
আমাদের প্রিয় অভিনেত্রীকে সঙ্গীতা বিজ্ঞানীকে বন্ধু মহলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। এবার অনুরোধ করব তাকে আমাদের সরাসরি মাতৃমণ্ডপে যাওয়ার জন্য। যারা সদস্য আছেন ক্লাবের আর এখানকার যারা মানুষজন আপনারা সকলে ভীষণ উচ্ছ্বসিত বুঝতে পারছি, কিন্তু যেহেতু উনি আমাদের অতিথি তাই সঙ্গীতা বিজ্ঞানীজিকে আনে পর হামারি দিওয়ালি অর ভি জ্যাদা চার চাঁদ হো গই। यहाँ पे वो हमारे पंडाल की सेरेमनी करने वाली है, तो देखिए हमारे पूजा पंडाल का लुक आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरे पंडाल का दर्शन करवाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो संगीता बिजलानी जी को देखने आए थे और यहाँ पे वो जा रही है हमारे पंडाल का उद्घाटन करके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।